सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द्विवेदी एकेडमी में। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं यूकेरियोटिक सेल। दरअसल क्या है कि आपको बता दें, हम प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात करें यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में। दरअसल क्या होता है, दे आर द वेल डेवलप्ड एंड एडवांस सेल्स। दरअसल क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, सबसे पहले मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज में कि जीवों का जो निर्माण है, जीव जंतु जो हमें आज दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वो सिंगल सेल से डेवलप हुए थे। तो सबसे पहले जो सेल बनी थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, धीरे धीरे वो सेल से अन्य सेलें बनी और साथ में नई सेलों के बनने के साथ में उनके अंदर डेवलपमेंट आता गया। डेवलपमेंट आते 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 उनके अंदर और भी सेलें बनने लगी और सेल बनने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगी और जुड़ने के बाद में बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, पहले तो उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनकी सेलें भी बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है देयर आर द वेल डेवलप्ड एंड द एडवांस सेल्स। तो अब क्या है कि वेल डेवलप्ड और एडवांस सेल हैं विद अ ट्रियो न्यूक्लियस, उनके अंदर एक वास्तविक न्यूक्लियस है। ट्रियो का मतलब होता है वास्तविक और सच्चा, ये आप लोग जानते हैं। तो उनके अंदर एक ट्रियो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर, अब यहाँ पर इनका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें किसका, यूकेरियोटिक सेल का, तो क्या होगा। यूकेरियोटिक जो वर्ड है उसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यू का मतलब होता है ट्रियो और कायरन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं यूकेरियोटिक सेल नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विद द ट्रियो न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन, और इसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स। तो मेम्ब्रेन से अंदर या मेम्ब्रेन से बंधे हुए यहाँ पर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो सबके सब इसलिए एक जगह सही जगह पर रह पाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन लगी होती है। अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन किसी कारणवश फट जाए तो सेल डाई हो जाएगी, मर जाएगी और सारे उसके जो पार्ट हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, वो इधर उधर बिखर जाएंगे। अब आता है ऑल हायर ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल से मिलकर के बने हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, ये हमें फीचर्स जो है लिखने के लिए आ जाते हैं तो उनको हमें याद रखना जरूरी होता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ दे रखे हैं किसके, यूकेरियोटिक सेल के। सबसे पहला फीचर है न्यूक्लियस इज वेरी वेल डेवलप्ड सराउंडेड बाई द डबल्ड वॉल्ड ट्रियो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दरअसल क्या होता है कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा वेरी वेल डेवलप्ड होता है और ये चारों तरफ से डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। डीएनए एंड द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्या चीज़, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। दूसरी चीज आती है डीएनए इज नॉट द सेलुलर इन द नेचर। डीएनए जो होता है आपका वो सेलुलर नहीं होता नेचर में। सेलुलर नेचर में ना होने की सिंपल सी वजह है क्योंकि वो सेल जैसे स्ट्रक्चर नहीं रखता, उसकी अपनी अलग स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ठीक है। अगला, डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस, डीएनए जो होता है एसोसिएटेड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। दरअसल क्या होता है, डीएनए जो बनता है आपका वो हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ने से बनता है। राइबोसोम्स यूजली अटैच टू द ईआर, इनके जो राइबोसोम्स होते हैं इन यूकेरियोटिक सेल्स के यूजली अटैच, सामान्य तौर पर जुड़े रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं, कौन, राइबोसोम्स, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये हमने पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इनको आप जो है याद कर लो और साथ में याद करने के लिए जरूरी है कि इनको रिकॉर्ड करना, आपका जैसे कोई नोट्स वगैरह बना लो उस पर आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए, याद हो जाएंगे तो एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। अगला पॉइंट है आपका, राइबोसोम्स आर ऑफ द एटीएफ टाइप। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपका एटीएफ टाइप के होते हैं, विच कंजिस्ट ऑफ द 40S एंड द 60S, जिनके अंदर क्या होता है 40S और 60S सब यूनिट पाई जाती हैं। दरअसल यहाँ पर F जो यूज हो रहा है वो सब यूनिट के लिए यूज नहीं हो रहा, S का यहाँ पर यूज होने का मतलब है स्वीट वर्ग से, और स्वीट वर्ग एक तरह की यूनिट होती है जो मोमेंट को मेजर करती है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको जब पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है
पूरी तरीके से राइबोसोम्स क्या मतलब ये आपका जो है एटीएस क्या होता है, मतलब एस क्या है, एस क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने उसमें बताया हुआ है पूरी तरीके से। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रेजेंट वेयर द एनर्जी प्रोडक्शन टेक द प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया वहां अवेलेबल होते हैं जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है सेल में। तो दरअसल क्या होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होती है, क्या बनते हैं यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी क्या होते हैं वो आपको बाद में बताया जाएगा, फिर आपको फुल फॉर्म जो है उसकी मैं बता दे रहा हूँ, एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर एटीपी बनते हैं वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी प्रोडक्शन होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फचर जैसे गोल्जी बॉडीज हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर जो पाए जाने वाले कुछ एपरेटस हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो क्या है, एक तो आपका गोल्जी बॉडीज हैं। गोल्जी बॉडीज के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जैसे ईआर भी कहते हैं, आर द प्रेजेंट, ये प्लांट में भी मौजूद होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं इसलिए यहाँ पर एटीसी लिखा हुआ है। सेंट्रॉयल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इनके अंदर सेंट्रॉयल्स भी पाए जाते हैं। सेंट्रॉयल क्या है, तो सेंट्रॉयल जो होते हैं आपके, सेंट्रॉयल आर द ऑर्गेनेल्स इनसाइड द एनिमल। सेंट्रॉयल इस तरह के ऑर्गेनेल सेल का ही एक अंग है ये, और ये एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉयल पाए जाते हैं। दीज सेल आर ऑल्सो डेवलप्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ एन स्पाइंडल एपरेटस। तो दीज सेल जो होती है आर ऑल्सो डेवलप्ड, इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनकी वजह से भी होता है, स्पाइंडल एपरेटस इसके अंदर बनने के वजह से। स्पाइंडल एपरेटस क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पाया जाता है, और इसकी वजह से किसका निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है।